हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 225 एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है और इस नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें इन सभी 225 एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसियों पे कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो इन सभी वैकेंसियों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म 13/4/2022 से शुरू हो जाएंगे और अब 28/4/2022 तक इन सभी 225 एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ इन्होंने इस नोटिफिकेशन में जो कुल वैकेंसियां निकाली हैं वो 225 निकाली हैं, जिसमें से 218 करंट वैकेंसी हैं और 7 वैकेंसियां जो हैं वो बैकलॉग की वैकेंसियां हैं। और उसके अलावा इन्होंने इन सभी 225 वैकेंसियों को अलग अलग डिसिप्लिन और अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कौन से डिसिप्लिन में कुल कितनी वैकेंसियां रिजर्व रखी गई हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जो भी मेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से, उन सब के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो ₹500 रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट और डिपेंडेंट्स ऑफ डिफेंस पर्सोनल किल्ड इन एक्शन और जो भी एम्प्लॉय हैं एनपीसीआईएल के, ऐसे सभी कैंडिडेट को यहां फीस से एग्जम्प्ट रखा गया है। यानी ये सब कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं बिना किसी फीस पेमेंट के इन सभी वैकेंसियों के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। इन सभी पोस्ट पे वही सब कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग या फिर 5 साल की इंटीग्रेटेड एमटेक कर रखी है और आपकी डिग्री के दौरान कैंडिडेट के कम से कम जो है वो 60% नंबर एग्रीगेट आए हों और कैंडिडेट ने जो है वो गेट 2020, 2021 या 2022 जो है वो क्वालिफाई कर रखा हो। और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी डिग्री जो है वो अलाउड की जाएंगी उसकी डिटेल भी बताई हुई है, जिसमें कि मैकेनिकल डिसिप्लिन में मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो वैलिड मानी जाएगी, केमिकल डिसिप्लिन में केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो वैलिड मानी जाएगी, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में जो है वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री वैलिड मानी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन की सभी वैकेंसियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन की सभी वैकेंसियों के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री वैलिड मानी जाएगी, सिविल डिसिप्लिन की वैकेंसियों के लिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो वैलिड मानी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट ये बताई गई एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है, ऐसे सभी कैंडिडेट जो है इन सभी 225 एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करें यहाँ पे आपकी एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट को कंसीडर करने के लिए जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि 28/4/2022 रखी गई है। उसके अलावा कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 26 साल है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 29 साल है, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 31 साल है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट जो जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी अपर एज लिमिट 36 साल रखी गई है, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट की अपर एज लिमिट 39 साल है, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की अपर एज लिमिट 41 साल है और डिपेंडेंट ऑफ दोज हु डाइड इन रॉयट्स ऑफ 1984 ऐसे कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और जो भी एनपीसीआईएल के एम्प्लॉय हैं उन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है, अगर कोई कैंडिडेट जो है बाकी का सारा प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो। अब बात करें आपके ट्रेनिंग पीरियड के बारे में, तो इन सभी वैकेंसियों पे सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 1 साल का रहेगा। अब यहाँ बात करें ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो कैंडिडेट को स्टाइपेंड दिए जाएंगे उनके बारे में, तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उनको ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा वो ₹55,000 दिया जाएगा, वन टाइम बुक अलाउंसेस जो दिया जाएगा वो आपको ₹18,000 दिया जाएगा और मैंडेटरी लॉजिंग एंड बोर्डिंग जो है इन अकोमोडेशन एज प्रोवाइडेड बाय एनपीसीआईएल। उसके बाद जो भी कैंडिडेट जो है वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की ट्रेनिंग को पूरा करते हैं उनको एज ए साइंटिफिक ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा और आफ्टर ट्रेनिंग जो कैंडिडेट की बेसिक पे होगी वो ₹56,100 होगी और उसके अलावा कैंडिडेट को 34% जो है उनकी बेसिक पे का डीए दिया जाएगा और बाकी के सारे अलाउंसेस भी एज पर रूल कैंडिडेट को दिए जाएंगे, यानी कि कैंडिडेट की जो एक्चुअल सैलरी रहेगी लमसम वो लगभग ₹80,000 महीना रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इन सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा।
कैंडिडेट को उनके गेट 2020, गेट 2021, गेट 2022 के स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट को जो है वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट को जो है वो मेरिट के बेसिस पे इन सभी 225 एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसियों के लिए फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ आपके इंटरव्यू के लिए जो टेंटेटिव शेड्यूल डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग 13 से 25 जून 2022 के बीच में कैंडिडेट का इन सभी 225 एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसियों पे इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट डाली हुई है, कैंडिडेट को ये सारे ही डॉक्यूमेंट जो हैं ओरिजिनली प्रोड्यूस कराने होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो इन सभी डॉक्यूमेंट की डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।